आप देखो ना इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक तो पहले तो पता ना, का मतलब क्या है? कि पैसे आए हैं या पैसे गए हैं विड्रॉल्स गुड तो अभी समझ आ गया कि ये तो पता होना चाहिए तभी हम ट्रांजेक्शन अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक काफी बार होता है ना बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं अरे यार ये किस के पैसे है ये किस चीज के पैसे कट गए मेरा क्वार्टरली इंटरेस्ट आता है कुछ भी हो सकता है बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया बैंक स्टेटमेंट में पैसे बैंक में आ गए पैसे मुझे पता ही नहीं है मुझे कैसे पता चलेगा जब मैं बैंक स्टेटमेंट देखूंगा मुझे कैसे पता चलेगा जब मैं बैंक स्टेटमेंट देखूंगा टिल दैट टाइम बैंक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा आ रहा होगा तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर

बैंक स्टेटमेंट देखूंगा जब मैं बैंक स्टेटमेंट देखूंगा बैंक में से तो पैसे कट गए बैंक में से तो पैसे कट गए बैंक चार्जेस के के या इंटरेस्ट पैसे कट गए मैंने कैश बुक में एंटर नहीं नहीं कर क्यों नहीं कर रखा रखा क्यों हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं आई हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हम कैसे डिडक्ट करते है? हमें कैसे पता चलेगा जब हम बैंक स्टेटमेंट देखेंगे जब हम बैंक स्टेटमेंट देखेंगे टिल दैट टाइम बैंक से तो पैसे कट गए कैश बुक में से नहीं कटे कैश बुक का बैलेंस बैंक के बैलेंस से ज्यादा आ रहा होगा बात समझ आई समझ आई नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन आर बिहाफ ऑन आर बिहाफ किस चीज की बात हो रही है आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स थी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स थी आपने कहीं एफ करा रखी हैं, कहीं लोन्स दे रखे हैं शेयर हैं आपके पास कंपनीज के तो उसपे अगर लोन्स दे रखे हैं डिपोजिट हैं तो उसपे इंटरेस्ट आता है जो शेयर हैं उस पर डिविडेंड आते हैं तो डिविडेंड क्या होता है पिछले जन्म में बताया था सुनाडेंडर इट इज द रिटर्न होल्डर्स इट इज द रिटर्न विच द शेयर होल्डर्स गेट ऑन देर इन्वेस्टमेंट्स

Yes no, बैंक का बैलेंस ज्यादा होगा कैश बुक के बैलेंस से यस और नो कोई डाउट डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक हम कभी कभी बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब हमने एडवांस में अथॉरिटी दे रखी है बैंक को क्या हर महीने मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आता है जब भी आएगा ना मेरे बिहार कर देना मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना बिजली का बिल आएगा मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना पेमेंट कर देना तो मेरी बैंक मेरा पर्सनल लोन है मेरी कार लोन है ईएमआई इसकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है हर महीने इस डेट पे मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मतलब आपने बैंक को अथॉरिटी दे रखी है एडवांस में कि जब भी वो पेमेंट आएगी मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना तो बैंक ने काट लिए बैंक ने पैसे काट लिए बैंक का बैलेंस तो कम हो गया बट हमें पता ही नहीं है हमें कैसे पता चलेगा जब हम बैंक स्टेटमेंट देखेंगे जब हम बैंक स्टेटमेंट देखेंगे हमें कोई मैसेज नहीं आता हमारे पास कोई ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी नहीं जब हम बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो तो हमें हमें पता पता चल चल जाएगा जाएगा बैंक से कोई आ गई तो हमें पता चल जाएगा, तब हम कैश बुक में एंट्री पास करेंगे टिल दैट टाइम कैश बुक और बैंक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक तो बैंक में से पैसे कट गए हैं बैंक का बैलेंस कम होगा एज कंपेयर टू द कैश बुक क्लियर डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक तो डायरेक्ट डिपॉजिट इन द अकाउंट आपने मेरी फीस देनी थी आपने डायरेक्टली अरे आप कह रहे हैं? नहीं आपको नहीं देंगे आपके बैंक में डाल बैंक में में डायरेक्टली डायरेक्टली डालेंगे डाल दिया आपने मेरे मुझे पता ही नहीं है आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं करा कुछ नहीं करा बैंक में पैसे आ गए तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया लेकिन कैश बुक में अभी एंट्री नहीं हुई क्योंकि हमें पता ही नहीं है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन द बैंक बाय डेटर्स एनीवन बैंक का बैलेंस ज्यादा होगा कैश बुक का बैलेंस कम होगा इंपॉर्टेंट है डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड बट हम सिर्फ दस पंद्रह बार ही कर चुके हैं डिस्कशन ध्यान से सुनेंगे एक और बार वंस स्मोल मैंने आपको सामान बेचा मैंने आपको सामान बेचा आपने कहा पैसे अभी नहीं है थोड़ा टाइम चाहिए मैंने कहा दिया कितना टाइम चाहिए आपने बोला तीन महीने चाहिए मैंने कहा दिए बट एक डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं एक डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं एक डॉक्यूमेंट बना के भेजूंगा उसको बस साइन कर देना कि इस डेट तक आप मेरे मेरे पैसे पैसे दे दोगे तो मैंने पैसे लेने हैं लिए है बिल रिसीवेबल आपने पैसे देने हैं आपके लिए है बिल्स अब मेरे पास लेने रिसीवेबल पड़े हुए थे उस पर लिखा था तीन महीने बाद पैसे मिल जाएंगे डेट लिखी हुई थी इस डेट पे अब मुझे बैंक से मेरे को पैसे चाहिए मुझे अर्जेंट अर्जेंट रिक्वायरमेंट है फंड्स की तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं वो डॉक्यूमेंट लेके गया बैंक के पास कि मेरे को ना इससे पैसे लेने हैं तीन महीने बाद मिलेंगे मुझे अभी पैसों की जरूरत है तो बैंक ने कोई बात नहीं हम डिस्काउंट कर देते हैं इसे क्या कर देते हैं? डिस्काउंटिंग कर देते देते हैं हैं डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग का का मतलब दस का बिल था बैंक ने बोला 500 हमारी कमीशन नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज तीन महीने बाद जब बिल मैचर होगा हम उससे जाके अपने आप पैसे ले लेंगे टेन थाउजेंड रुपीज तो जो पांच सौ रुपए एक्स्ट्रा है वो हमारी कमीशन हो गई डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको भी पैसे मिल गए बैंक ने भी कुछ पैसे कमा लिए कोई दिक्कत no, दिक्कत दिक्कत नो आती है तीन महीने के बाद तीन महीने के बाद जब बिल मेच्योर होता है तो जिसने साइन किया था एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं पैसे दे दूंगा वो पैसे देने से कर देता है मना तो बिल हो गया डिसऑनर क्या हो गया बिल डिसऑनर तो आपने डिस्काउंट करा रखा था अब वो डिसऑनर हो गया तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा जितनी बातें मैंने करी है, उतनी वो करेगा नहीं बैंक आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा वो बस बता देगा कि उसने पैसे नहीं दिए आप देख लेना हम आपके अकाउंट से पूरे बिल के अमाउंट के दस हजार तो बैंक ने तो मुझे 9, ही दिए ना अब वो तीन महीने वेट कर चुका है बैंक पूरे दस हजार रुपए आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा आप रिकवर करते रहो उससे जिससे आपने लिया था तो जब बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर होता है बैंक से पैसे कट जाते हैं मुझे पता ही नहीं मुझे कैसे पता चलेगा जब मैं बैंक स्टेटमेंट देखूंगा जब मुझे कोई इंटीमेशन आएगी टिल दैट टाइम बैंक में से पैसे कट चुके हैं बैंक का बैलेंस कम होगा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा मैच नहीं करेगा एक रीजन ऑफ वेरिएशन कोई डाउट नेक्स्ट बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक मेरे पैसे आने थे कहीं से बैंक ने मेरे भी हाँ पे कलेक्ट कर लिए आ गए मेरे में पैसे। आ गए मेरे अकाउंट अकाउंट में में पैसे 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 आ आ गए गए बैंक बैलेंस बढ़ गया मुझे पता ही नहीं मुझे कब पता चलेगा जब मैं बैंक स्टेटमेंट देखूंगा टिल दैट टाइम टिल दैट टाइम बैंक में बैलेंस ज्यादा होगा कैश बुक में बैलेंस कम होगा तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर

एरर एंड ओमिशन की तो कोई लिमिट ही नहीं है बैंक दो बार दिखा, कोई दो बार दिखा कोई कुछ भी हो सकता है ना वो तो कुछ भी हो सकता है एरर ओमिशन बस ये है कि क्वेश्चन हमें बताएगा कि ये एरर हो गया उसकी वजह से हमें ये देखना है कि बुक में बैलेंस एज कंपेयर टू द बैंक स्टेटमेंट कम आ रहा है ज्यादा रहे उस हिसाब से बी आर एस में रिपोर्टिंग या प्रेजेंटेशन तो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है रीजंस ऑफ वेरिएशन पहला था टाइमिंग डिफरेंसेस दूसरा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर और तीसरा एरर्स एंड ओमिशन हमें अच्छे से मीनिंग समझ आना चाहिए ताकि आपके सामने ट्रांजैक्शन हो तो आप रिलेट करके ये समझ पाओ कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैशबुक का बैलेंस ज्यादा होगा या पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा अगर आप यह आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आप बी नहीं बना सकते लेकिन तो ना कितना मुश्किल होगा ये आइडेंटिफाई ना कर पाना एक एग्जांपल जैसे बैंक चार्जेस है बैंक चार्जेज है बैंक ने पैसे काट लिए अरे भाई अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा बस इतना ही आइडेंटिफाई करना कि बैंक का कम होगा तो एज कंपेयर टू द बैंक कैश बुक का ज्यादा होगा ये सर नो तो बेसिक इतनी ही आइडेंटिफिकेशन है लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले ट्रांजेक्शन पता होगी ना तो आपके लिए ये चीज बहुत ईजी हो जाएगी तो पहले सारा फोकस अंडरस्टैंडिंग पे रहेगा कोई भी टर्म अनक्लियर नहीं होनी चाहिए डेबिट क्रेडिट कैश बुक का पासबुक का इसमें खेलेंगे वो इसमें क्रेडिट इन द कैश बुक क्रेडिट इन द पासबुक वो जानबूझ के ऐसी बात करेंगे क्लियरली नहीं बताएंगे पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं कह रहे हैं वो तुम बताओ तुम्हें पता होना चाहिए डेबिट एंड द पासबुक क्या होता है तो वहां आपके रूल्स आपको बचाएंगे वहां आपके कॉन्सेप्ट आपको बचाएंगे अब आपकी बात